तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैकहैंड क्लियर के बारे में। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप अपने बैकहैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, कोई भी स्ट्रोक मारने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको ग्रिप कैसे पकड़नी है। सो मैं आपको बताता हूँ बैकहैंड की ग्रिप कैसे पकड़नी होती है। ये जैसे सपोज ये आपका रैकेट है, ये ग्रिप आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको बैकहैंड ग्रिप के लिए क्या करना है, ये जो आपको एस दिख रहा है यहाँ पे अपने थंब को रखना है और अपने थंब की पावर यूज़ करके एक अच्छा बैकहैंड मारना है। गाइस, ग्रिप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ग्रिप के बाद हम लोग बात करेंगे स्टेपिंग की, कैसे आपको बैकहैंड पे जाना है। सपोज आप सेंटर में खड़े हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है, एक चेजिंग स्टेप निकालना है। अगेन एक बार दोबारा देखिए, ये आप पैर पीछे ले गए लेफ्ट वाला और ये पैर चेज किया। अब यहाँ से आपको राइट लेग बैकहैंड हिट करना है, वापस चेजिंग स्टेप में वापस आना है। यही मूवमेंट मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ, देखिए। ये मैंने आपको फास्ट करके दिखाया। गाइस आइए, अब शटल से आपको कांटेक्ट कैसे अच्छा करना है उसके बारे में बताऊंगा। गाइस, इस ड्रिल को परफॉर्म करने के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत होगी जो आपको यहाँ पे शटल थ्रो करके देगा और आप यहाँ पे स्टैंडिंग में बैकहैंड से हिट करेंगे। यस, गाइस बैकहैंड मारते समय आपको याद रखना है, आपने जब यहाँ पे राइट लेग रख दिया है उसके बाद आपका सबसे पहले यहाँ पे एल्बो जाएगा, उसके बाद फोरआर्म और देन रिस्ट से आपको पावर लगानी है। लास्ट जो आपको हिट करना है शटल को वो रिस्ट की पावर से करना है। यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है अगर आप इस फ्लो में शटल को हिट करना सीख जाते हैं। गाइस, अभी ये क्या मिस्टेक कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपने हैंड को पूरा यहाँ पे ऊपर ओपन नहीं कर रहा था, जिसके वजह से इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ नीचे हो रहा था। गाइस, आपको क्या करना है, अपना एल्बो सबसे पहले ओपन करना है, फिर फोरआर्म एंड देन आपको हिट करना है हाईएस्ट पॉइंट पे। जितना ऊपर से आप शटल को पकड़ेंगे उतना अच्छा आप स्ट्रोक मार पाएंगे, चाहे वो बैकहैंड स्मैश हो या बैकहैंड क्लियर। गाइस, अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप वन वर्सेज वन में बैकहैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज, आई होप ये ड्रिल आपके बैकहैंड को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। टिल देन इससे हेल्दी इससे फिट प्रशांत मेहता साइनिंग ऑफ। Can we switch up all the